फोर पावरफुल स्किल्स जो कि हर एक कॉलेज स्टूडेंट को सीखनी चाहिए इन दी कॉलेज टाइम। दोस्तों आज की वीडियो में आपको ऐसी चार स्किल्स पता चलने वाली है जिसके ऊपर अगर आप काम कर लेते हो तो आने वाले जब आप ग्रेजुएट हो गए कॉलेज से तो आपको अपने ऊपर प्राउड होगा और आपको ये चीज का अच्छा लगेगा कि आपने 4 साल पहले 3 साल पहले या 2 साल पहले ये वीडियो को देखा था और उससे आपने इम्प्लीमेंट किया था और उससे आपकी लाइफ चेंज हो गई है। तो बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली स्किल्स जो कि आपको सीखनी जरूरी है इन कॉलेज लाइफ वो क्या है दोस्तों, वो है कम्युनिकेशन स्किल। जी हाँ दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी स्किल है, चाहे आप जॉब करोगे अपने ग्रेजुएशन के बाद, चाहे आप बिजनेस करने वाले हो अपने ग्रेजुएशन के बाद, चाहे आप कुछ भी करोगे, फ्रीलांसिंग करोगे, अपना घर का वर्क फ्रॉम होम बिजनेस भी करोगे, तो हर चीज में आज के टाइम हमें कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड है। क्यों रिक्वायर्ड है? बिकॉज जॉब में जाओगे तो आपके जो कलीग्स होंगे उनके साथ बातचीत करना एक तरीका होता है बात करने का, जिससे सामने वाला जो है आपके साथ कनेक्ट हो जाता है और उसी के साथ में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हमें जरूरत पड़ती है डिफरेंट डिफरेंट लोगों की। तो कम्युनिकेशन स्किल आपको चाहिए। अब कम्युनिकेशन स्किल इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, बिकॉज हमारे जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है स्टार्टिंग से हमें इस चीज़ में उलझा के रख दिया है कि कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है इंग्लिश, इंग्लिश ग्रामर। ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल का सीधा सा मतलब है कि आप जो कहना चाहते हो अपनी बात वो सामने वाले व्यक्ति तक आप पहुंचा पा रहे हो अपने किसी भी लैंग्वेज के माध्यम से, जो सामने वाला भी उस चीज़ को समझ रहा है और आप भी समझ रहे हो। अगर सामने वाला इंग्लिश जानता है तो इंग्लिश में उसे कम्युनिकेट करना हमें आना चाहिए, सामने वाला हिंदी जानता है तो हमें हिंदी में आना चाहिए। तो डिपेंड करता है कि आप कम्युनिकेशन किस लैंग्वेज में कर रहे हो, पर वो मैटर नहीं करता कि उससे कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी है या बुरी है। चलते हैं अपने अगले स्किल की तरफ। नेक्स्ट स्किल जो कि आपको अपनी कॉलेज लाइफ में सीखनी चाहिए और जिसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए वो है आपकी नेटवर्किंग स्किल। अब आप बोलोगे भैया नेटवर्किंग क्या होता है? देखो नेटवर्किंग मतलब कि आप जब कॉलेज में आते हो तो आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलते हो, डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट से मिलते हो, आपकी फ्रेंडशिप होती है, इसी के साथ में आपके सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन होता है, तो वहाँ पे बेसिकली आपको मौका मिलता है नेटवर्किंग करने का। नेटवर्किंग का मतलब ये है कि आपको डिफरेंट फील्ड से जो लोग आते हैं उनके साथ कनेक्शंस बिल्डअप करने का मौका मिलता है, जिससे आपको आपके करियर में काफ़ी हेल्प होने वाली होती है। नेटवर्किंग एक ऐसी स्किल है जो कि आपको करियर में काफ़ी हेल्प करेगी। मान लो आप अभी एक इंजीनियरिंग कर रहे हो, इंजीनियरिंग में आपने एडमिशन लिया है और आपको एक अच्छा पैकेज क्रैक करना है, तो आप लिंक्डइन के ऊपर फर्स्ट ईयर से ही अपनी प्रोफाइल बिल्डअप करते हो, जो सीनियर्स ऑलरेडी किसी अच्छी कंपनी में हैं वहाँ पे आप लोग उनसे कनेक्ट करते हो, उनसे पूछते हो, उनसे गाइडेंस लेते हो कि आप इंटरव्यू कैसे क्रैक कर सकते हो उन फांग कंपनीज में जो कि ड्रीम होता है बच्चों का, तो आप लोग एक तरीके से कनेक्शन बिल्डअप कर रहे हो, नेटवर्क बिल्डअप कर रहे हो। तो ये स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। आप किसी भी इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, चाहे ऑनलाइन आप नेटवर्किंग कर रहे हो, चाहे ऑफलाइन आप नेटवर्किंग कर रहे हो, बट नेटवर्किंग करनी आपको आनी चाहिए। बढ़ते हैं अपने अगले स्किल की तरफ जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए सीखना, वो है फाइनेंशियल स्किल। अब फाइनेंशियल स्किल का मतलब क्या है? देखो आज के टाइम पे जैसे जैसे चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे अपग्रेड हो रही हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, छोटे छोटे स्टूडेंट्स जो हैं इनकम जनरेट कर रहे हैं और उस इनकम की वजह से क्या हो रहा है, वो कमाना तो स्टार्ट कर देते हैं बट उनके खर्चे इतने हो जाते हैं कि उनको ये समझ नहीं आता कि जो मैं कमा रहा हूँ वो पैसा जा कहाँ रहा है। तो उस केस में उसके पास होनी चाहिए फाइनेंशियल स्किल। अब फाइनेंशियल स्किल आपकी हेल्प करेगी कि मुझे कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा मुझे खर्च करना है, कितने पैसे को मुझे मैनेज करके सेव करना है, कौन सा इमरजेंसी फंड में डालना है, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसीज, रियल एस्टेट, कहाँ कहाँ मुझे पैसे को इन्वेस्ट करना है, अपने फ्यूचर गोल्स के हिसाब से कैसे पैसे को मैनेज करना है, वो सब चीज़ें आप इस फाइनेंशियल स्किल में सीख सकते हो। तो ये आपके लिए ज़रूरी हो जाती है बिकॉज कॉलेज में आज के टाइम काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे होते हैं अपनी पढ़ाई के साथ और उसे मैनेज नहीं कर पाते, तो उसे मैनेज करने के लिए ये स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है जो कि आप आराम से इंटरनेट के ऊपर सीख सकते हो। बढ़ते हैं अपने आखिरी स्किल की तरफ, इस वीडियो के आखिरी स्किल जो है फोर्थ स्किल, और वो है डिजिटल स्किल्स। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे हमारा टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही है, दुनिया आगे बढ़ रही है, आप देख रहे हो डिजिटल का दुनिया आ चुका है, हर चीज़ हम डिजिटली करते हैं। अगर हमें खाना मंगाना है तो हम ऑनलाइन मंगाते हैं, अगर हमें कपड़े लेने हैं तो हम ऑनलाइन लेते हैं, हमें कहीं घूमने जाना है उसके हम सजेशन ऑनलाइन ले रहे हैं, हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है, बट पैसे हम ऑनलाइन कमा रहे हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो ऑनलाइन अगर आप लोग हर चीज़ कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑनलाइन पैसे भी कोई ना कोई कमा रहा है। तो आप लोगों को ये सीखना होगा कि ऑनलाइन आप पैसे कैसे कमा सकते हो, उसके लिए आपको सीखनी पड़ेगी डिजिटल स्किल्स। मैंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ डिजिटल स्किल्स पे फोकस किया, सीखा और उससे मैंने 6 फिगर इनकम क्रिएट करी है अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ, जो कि मेरे जो
कॉलेज के स्टूडेंट्स थे वो नॉर्मल अपनी जो तैयारी थी वो कर रहे थे, बट मैंने उसके साथ कुछ एक्सप्लोर करा और मुझे कुछ एक नई चीज़ मिली जिसमें मेरा इंटरेस्ट भी बैठा, मेरा पैशन भी उसमें बैठा और मैंने वहाँ से एक इनकम भी क्रिएट करी है। तो ये सब पॉसिबल हो पाया डिजिटल स्किल्स की वजह से। उस डिजिटल स्किल्स की वजह से मैं आज आप लोगों के सामने वीडियो बना पा रहा हूँ इतनी कॉन्फिडेंस के साथ। तो डिजिटल स्किल्स का बहुत बेनिफिट होता है, ये भी आप सीख सकते हो ऑनलाइन। बाकी अगर आप डिजिटल स्किल्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि कैसे मैंने 2 लाख से ज़्यादा की इनकम जनरेट करी है इन डिजिटल स्किल्स को सीख के, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। अगर आपको मेरे से पर्सनली गाइडेंस चाहिए तो ऋषभ जैन ऑफिशियल आपको मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम शो हो रहा होगा, वहाँ पे आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे इन डिजिटल स्किल्स पे काम करा और इनकम जनरेट करी और आप भी कैसे अपनी पढ़ाई के साथ इनकम जनरेट कर सकते हो। बाकी अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो इस वीडियो के माध्यम से तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, रेड बटन आपको नीचे शो हो रहा होगा उसको सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा देना सो दैट आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो मेक श्योर आप कमेंट करना ना भूले। इसी के साथ में वीडियो को शेयर कर देना अपने कॉलेज ग्रुप्स में, बिकॉज यार हम अच्छी चीजें शेयर कम करते हैं बुरी चीजें ज्यादा करते हैं। हो सकता है अगर आप इस वीडियो को शेयर करो तो किसी की लाइफ चेंज हो जाए आपके इस एक शेयर करने की वजह से और मेरा मोटिव पूरा हो जाएगा आप लोगों को गाइड करना, बेसिकली जो फ्रेशर अभी कॉलेज में आए हो। तो मिलते हैं इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो में। अगर आपने कॉलेज प्लेसमेंट वाली सीरीज नहीं देखी है आई कार्ड में आप जाके देख सकते हो। इसी के साथ में कॉलेज लाइफ टिप्स की एक प्लेलिस्ट है जहाँ पे आपको काफ़ी हेल्पफुल टिप्स मिल जाएंगी कॉलेज लाइफ में कैसे आपको चीज़ें करनी है, उसके भी आई कार्ड में लिंक डाल दूंगा, जाके जरूर से देखना। मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड गुड बाय।